acre, 500,000 per year. और उसके अनुसार जो प्रोग्राम भी बताए हैं 150,000 पर ईयर, ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100,000 के नीचे रखे जा सकते हैं, और ग्राउंड एंड बिल्डिंग का मेंटेनेंस 3-4 हज़ार पर मंथ, 4-5 हज़ार के अंदर इस एरिया में किया जा सकता है. इस सबको मिला के एनुअल ऑनगोइंग एक्सपेंस जो है 800,000, मतलब मिलियन से कम है, कम से कम शुरू शुरू में रखा जा सकता है, फिर अगर बढ़ता है तो उन साल होगा, लेकिन शुरू शुरू में इतना हमारा अनुमान है. तो इसमें यही है कि शुरू में तो ज़रूर ही भारत सरकार से कुछ सहायता की आवश्यकता है इसको शुरू करने के लिए, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदी सेंटर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, जिसमें कि एनुअल इनकम जो है उसको वो ग्रांट्स, यहाँ सब तरह की ग्रांट्स मिलती है, बहुत काम है. हम बहुत से लोग स्टार्टअप में शामिल हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, तो उसमें इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हैं और मिलते रहेंगे, तो उनके माध्यम से डोनेशंस हमारी जो भारतीय मूल के लोग, यहाँ इतने लोग हैं और वेल एस्टेब्लिश बहुत सारे लोग हैं, अगर वो देखेंगे कि इस केंद्र के माध्यम से कुछ अच्छा काम हो रहा है हमारे नई पीढ़ी के लिए, तो वो भी हमारी सहायता करेंगे. और फिर जो भी प्रोग्राम करते हैं, अगर ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह करते हैं, तो उसकी भी कुछ इनकम आती है. तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ऑनगोइंग एक्सपेंसेस जो वो हम अपने आप उस तरह से जनरेट करें. तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सेंटर बनाने के लिए हम लोग बड़े सहयोगिता के साथ काम कर रहे हैं. कई सारे जो अलग अलग हमारे समाज थे वो साथ आए, हमने हिंदी संगम फाउंडेशन की इस तरह से शुरुआत की है. तो ये काम तभी हो सकता है जबकि हम सब यहाँ पर जो हैं संस्थाओं और भारत सरकार के माध्यम से साथ आकर अगर करें तो इसको सक्रिय किया जा सकता है. गीता में एक श्लोक है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे माइंड में है, दिमाग में है, कि सृष्टि का सृजन भगवान ने कैसे किया. सह यज्ञ प्रजा सृष्ट बुरो वाच प्रजापति अनेन प्रसिद्ध सूक्तम ऐसा वस्तु इष्टकाम. प्रजापति ने सृष्टि का सृजन सह यज्ञ किया इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन. मोस्ट एक्सप्लेनेशन ये है, इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन सेल्फलेस सर्विस टू द वर्ल्ड. स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए हम सभी काम करते हैं. यज्ञ जहाँ आता है उसके माने सेल्फलेस सर्विस. और उसका एग्जाम्पल ये देते हैं कि सूर्य भगवान, चंद्र, पृथ्वी माता, नदियाँ, समुद्र, ये सब के सब भगवान ने बनाए हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, सृष्टि की एग्जिस्टेंस के लिए सबकी आवश्यकता है, लेकिन ये सब कुछ अपने लिए नहीं करते. तो गंगा नदी, हिमालय पर्वत, सृष्टि का ये भी है कि अभी भी जब माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ के ब्रेस्ट में मिल रहा है सहयज्ञ, उसकी आवश्यकता, नहीं तो जीवन चल नहीं सकता. और माँ के दिमाग में वो भाव आता है कि इस बच्चे का जीवन सर्वोपरि, सबसे स्वार्थ नहीं दूसरे, उस भावना से भगवान कृष्ण ने कहा है सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्ध सूत्र. इस सहयज्ञ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन सेल्फ सर्विस के माध्यम से यू कैन प्रोग्रेस. ये तुम्हारी कामधुक है, जो भी चाहते हो इसके माध्यम से मिलेगा. इसके माने स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन सेल्फ सर्विस. अगर इस स्पिरिट से हम साथ आए और इस तरह का कोई कदम उठाएं जिससे कि इस तरह के केंद्र की स्थापना की जा सके, तो हम
जो चाहते हैं, जो कहा गया है दुख की दिन में, उस सबको कल्याण सफल कर सकते, सफलता प्राप्त कर सकते। इसके साथ मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कौंसल अधीश राजदूत श्री गणेश्वर मूल्य जी यहाँ उपस्थित हैं, और आपके आने के पूर्व श्री डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद यालगड्डा साहब इस समारोह की अध्यक्षता प्रारंभ कर रहे थे, तो आप लोग सम्मिलित रूप से इसे आगे बढ़ाएं। और जो वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, अभी किसी ने अपने वक्तव्य नहीं दिए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप अपने विवेक से, हमारे पास समय की कुछ कमी है, अगले 20 मिनट में अगर ये सत्र पूरा हो जाए और बहन जी को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना है, तो आपकी अनुमति हो उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो आप उसके बाद गुलशन सुखलाल मॉरिशस में इंतजार कर रहे हैं, उनको स्काइप से कुछ मिनटों के लिए अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। इसी लोग नहीं, गुलशन सुखलाल मॉरिशस में स्काइप से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक प्रस्ताव पारित करें जिसको कि भारत सरकार के पास तक पहुँचाया जाए और विश्व में पहुँचाया जाए। तो सबका सहयोग इसमें वांछित है। आप अगर कोई संशोधन बताएं, क्षेत्रीय केंद्र भी हमने कहा है, अगर कुछ और संशोधन किया जाए तो ठीक है। लेकिन रेजोल्यूशन इस तरह से है कि द अटेंडीज ऑफ द सेकंड इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस April 3-5, 2015, रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी USA यूनैनिमसली रिजॉल्व दैट द कंसल जनरल ऑफ इंडिया मे प्लीज रिकमेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदी सेंटर ऑफ अमेरिका टू बी ऑफिशियली नोन एज क्षेत्रीय हिंदी केंद्र अमेरिका बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट प्रेजेंटेड बाय हिंदी संगम फाउंडेशन at the International Hindi Conference, Rutgers University, on April 5, 2015. The blueprint was prepared in accordance with the Hindi Center resolution adopted by the first International Hindi Conference held at New York University campus on April 25, 2014. The said resolution, which was endorsed by Honorable Ambassador Danish Rupi, the Consul General of India in New York, was followed by a similar resolution, number 19, adopted by the International Hindi Conference, Mauritius, on October 30th to November 3rd, 2014. Second resolution is, it is further resolved that the Hindi Center of America will be administered and managed by Hindi Sangam Foundation, an NGO which has been created for this purpose. And it will be administered and managed by, under the guidance of an advisory board comprising of Hindi Sangam trustees, Council General of India, or his nominee, and four numbers of high distinction in the promotion of Hindi, representing North America, Caribbean Islands, and South American nations, to be nominated by the Hindi Sangam Board of Trustees. तो ये हमारे resolution की रूपरेखा है, अगर आपको कोई सुझाव दे दे। एक अनुरोध ये है कि हमारे परम सहयोगी श्री उपेंद्र चुगला जी सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो उनके विचार हम पहले जान लें, इसके बाद हम आपकी कार्रवाई शुरू करें। उपेंद्र जी, मैं जरा इंग्लिश में बात करता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। ऐसा है कि मेरा दोस्त एक था, वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ बिस्कारवे स्कूल्स, उन्होंने बहुत कोशिश करके गुजराती प्रोग्राम स्कूल में शुरू किया, लेकिन उनमें उनका अटेंडेंस जो भी बिस्कारवे टाउनशिप में बहुत गुजराती लोग हैं, और लेकिन अटेंडेंस तो इतना कम था, वो एक दो साल में उसको बंद कर दिया। मेरी बीबी है वो वेस्ट विंडसर प्रिंसबर स्कूल में पढ़ाती है, स्पेनिश पढ़ाती है, वो कहती है वो प्रिंसबर और वेस्ट विंडसर में है कि बहुत चीनी लोग हैं, वह चीनी भाषा तो पढ़ाते हैं, वो चीनी सरकार
कोई इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन बहुत स्वयं सेवक है, चीनी भाषा की प्रेमी है, वो बहुत चीनी के आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत कोशिश करते हैं। मेरी बीवी ने कहा कल रात को मैंने कहा कि ये हिंदी प्रोग्राम हमारा भारतीय लोग हिंदी प्रोग्राम नहीं लेते हैं, इसलिए ये पता नहीं क्यों ये लोग सोचते हैं अगर हम फ्रेंच लेते हैं या स्पेनिश लेते हैं हिंदी नहीं लेते हैं। ये तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। ये हम लोग चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम लोग हिंदी की हिंदी सीखने की प्रोत्साहन नहीं करेंगे, हमारे लोग कोई गोरे लोग ऐसे नहीं क्या कि हिंदी नहीं पढ़ सकते, हम लोग उदाहरण होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने देखा है नंबर से सब ठीक है, लेकिन वो तो नंबर तो बहुत कंजर्वेटिव है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका ओवरहेड बहुत ज़्यादा है और एक एकड़ में 10,000 स्क्वायर फीट नहीं बनती है और 20 पार्किंग लॉट नहीं मिल सकती है। तो वो तो कर सकते हैं, वो तो फिक्स कर सकते हैं। ये ऐसा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये छोटी सी करना चाहिए, छोटी सी ऐसा है कि जो न्यू जर्सी में हेरिटेज लैंग्वेज का रिकग्निशन है, वही गुजराती पढ़ाते हैं, तेलुगु पढ़ाते हैं, दूसरे तब उनके साथ एक यूनाइटेड लैंग्वेजेस एसोसिएशन बनना चाहिए, क्योंकि वो लोग सब वो भी तेलुगु सीखेंगे और तेलुगु के साथ हिंदी भी सीख सकते हैं, गुजराती सीखेंगे गुजराती के साथ हिंदी भी सीख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा छोटा सा शुरू करके उसको बड़ा करना चाहिए। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट किया तो 2 प्रोफेसर फुल टाइम प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे, इतना पैसा लगेगा, ये बेनिफिट है सब कुछ है। तो थोड़ा सा सोच के प्लान करना चाहिए। मैं जो भी हो मैं मेरी कैपेसिटी में मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन जो है अभी अम्बेसडर मुले साहब है अभी इन भारतीय सरकार से कुछ पैसा लाएंगे या चीनी सरकार जहाँ ऐसा करते हैं वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाते हैं। नहीं ऐसा है नहीं, भारत देश से प्रोत्साहन होना चाहिए। नहीं सर, हमारे लोग की क्या इंटरेस्ट है यहाँ व्यापार करने के लिए, तो इंग्लिश चलेगी या ओकरी रोड पे गुजराती चलेगी, तो हिंदी सीखने की जरूरत क्या है। तो अगर हम हिंदी को हिंदी भाषा के प्रेमी है और हिंदी भाषा को और आगे बढ़ाने हैं तो भारत सरकार की भी मदद बहुत जरूरी है। तो वो कह के मैं समाप्त करता हूँ मेरे भाषण। नमस्कार। वो तो बोल रहे जी ने छोटे जी जिस दिनों के नाम याद और जिस दिनों को मैं
स्क्रीन पर चेहरे से पहचान पा रहा हूँ सभी लोग और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार आप लोगों को शिवालय की ओर से और मॉरिशस के तीन प्रेमियों की ओर से एक विशेष आपका संदेश में देना चाहूँगा नए शिक्षा मंत्री श्री खन की ओर से इन्होंने आपके सम्मेलन के लिए बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत की है मैं लाइव फीड से मोदी जी का जी की प्रस्तुति का देख पाया और स्वाभाविक रूप से इस योजना का प्रस्ताव पिछले सम्मेलन में रख दिया था उसके बाद अशोक जी से जो चर्चा हुई अपमन में वो मनुष्यता के संदर्भ की उस बारे में चर्चा हो आधार पर विकास से आज चौथे दिन की है उसमें बहुत काम हो रहा है आप सभी विद्वानों को इसके लिए बहुत बधाई और साथ बात है कल से अशोक जी ने जितनी बार इस योजना की चर्चा की है उतनी बार उन्होंने कहा है कि हमारे महामंत्री मुंबई जी इस योजना के प्रति बहुत ही सद्भाव रखते हैं और चाहते हैं कि योजना को विकास से यह दूसरा सम्मेलन हो रहा है यह इसके लिए बहुत बड़ा होगा की प्रस्तुति के बाद मैं जो बातें कहना चाहूँगा उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं पिछले वर्ष आप लोगों के सामने बोल चुका हूँ और कराना चाहूँगा उनमें से एक चीज़ यह हो कि अगर हम एक ऐसे केंद्र की स्थापना कर रहे हैं जो कि एक कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम करेगा सचिवालय जैसा काम करेगा तो उसके कामों में हमको इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो डुप्लीकेशन हमारे चीज ना करें चौधरी जी ने अपने अंतिम स्लाइड्स में जो खर्च दिया उसको देखकर मैं थोड़ा सा मुझे पाया कि उतना खर्च डुप्लीकेशन इन सचिवालय का नहीं है असल में अगर हम कार्यों का डुप्लीकेशन ना करें और एक समन्वय केंद्र के रूप में काम करने तक अपने कार्यों का संबंध रखें और मैं जानता हूँ किसी की संस्था के लिए मन से इकट्ठा करना कठिन होता है और आप में से बहुत सारी संस्थाएं जो स्वयं से भी रूप से काम कर रही है उनके लिए मन से इकट्ठा करना इसलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके डुप्लीकेशन हमारे विजय ये एक बहुत ही विनम्र सुझाव है आप करें इसके अलावा मेरी ओर से यह सुझाव होगा हम लोग अमेरिका में हिंदी जब देखते हैं तो आप लोग हिंदी विद्वानों के बारे में जब सोचें उनसे जुड़ना आसान होता है लेकिन अमेरिका में हिंदी पढ़ने सीखने वाले लोगों के साथ जुड़ना कठिन होता है जबकि अभी जैसे संजोत जी ने अपने प्रेजेंटेशन में थोड़ी देर पहले कहा था वो लोग टेक्नोलॉजी से इतना जुड़े रहते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते मैं यह अनुग्रह करूँगा कि इस केंद्र का इस समन्वयन केंद्र का एक अपनी युवा शाखा जो एक तरह से ऑटोनोमस हो उनको अपने निर्णय लेने की थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए आप लोग बड़े विद्वान का मार्गदर्शन बना रहे हैं लेकिन उनका अपना एक नेटवर्क बनाने का उनको अवसर है ताकि वो लोग भी इस काम में उतना ही सहयोग दे पाए और जो उसे हम कहते हैं उनको छोटी उम्र से ही इस प्रकार के कामों के लिए तैयार करना हमारे यहाँ ये समस्या होती है बहुत सारी संस्थाओं में कि नई पीढ़ी नहीं जुड़ पा रही है मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस समस्या का सामना करें एक और जो मेरा सुझाव रहेगा वो यह रहेगा कि अपनी गतिविधियों के पैरामीटर्स बहुत ही ठीक से सेट करना बहुत है मैं इतने वर्षों से स्वयं सचिवालय के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं आपको बेशक बोल सकता हूँ कि आजकल हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के नाम पर तो सारा तमाशा हो रहा है जो कि हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के लिए ठीक नहीं है आप में से बहुत सारे विद्वान इससे सहमत हूँ और मेरे ख्याल से हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सिर्फ सम्मान देने सीमित रह जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं होगा जो कार्य आप लोग कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय है और जो कार्य अभी नवंबर में फ्रांस में होने वाला है वह उसकी भी बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम हो रहा है इस तरह से अपने कामों के पैरामीटर सेट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ताकि आप एक एक नया मापदंड तय कर पाए जगत के
जो आप लोग पहले से ही कर सके। इस संस्था के बारे में यहाँ मृत क्षेत्र के लिए एक सम्मेलन के रूप में है और पिछले बार सम्मेलन में इसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ सिर्फ उत्तरी अमेरिका के लिए नहीं है कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिका दोनों कंटिनेंट्स के लिए होगा। मेरे ख्याल से बहुत अनिवार्य है कि आप अमेरिका के विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के उन संस्थाओं को अपने तत्वावधान में लें जो संस्थाएं आजकल बहुत दक्षिणी से गुजर रही है। अशोक जी नवंबर में हमारे सम्मेलन में आ चुके हैं, उन्होंने स्वयं यहाँ पे देखा है कि सूरीनाम और गयाना की स्थिति कैसी है। वहाँ पे वो लोग एक ऐसे अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत कठिनाई है उनको। अगर उन लोगों को आपके समन्वय केंद्र जैसी बड़ी संस्था की छत्र छाया मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग यहाँ से जितनी सहायता हो पा सके करते हैं, लेकिन आप लोग निकट के आप उनका संपर्क करते हैं। पारसराम जी पिछले आपके यहाँ भाग ले चुके हैं, भोला नारायण उद्धव जैसे लोगों से आप परिचित हैं, तो आप लोग उनको भी जहाँ तक सके सम्मिलित करते हैं। और हम एक चीज इस तरह समन्वयन केंद्रों में मैंने देखा है जिसकी कठिनाई होती है वो यह कि बहुत बार लोग एक समन्वयन केंद्र की भूमिका नहीं समझ पाते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि समन्वयन केंद्र वही करें जो अंतर्राष्ट्रीय समिति कर रही है, यूएस कर रही है, या संस्थान कर रही है। इस यहाँ बहुत आवश्यक है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जहाँ तक हो सके, मैंने आप लोगों की रूपरेखा में देखा है कि काफी लोग इसमें सम्मिलित होंगे निर्णय लेने वाले स्टेज पर, जहाँ तक हो सके उसे विस्तार करें। उससे जितने लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे निर्णय लेने के स्टेज पर उतना अधिक आपके कामों को विस्तार होगा। और हिंदी जगत में एक स्वाभाविक समस्या आती है, अगर किसी को काम नहीं दिया जाता है तो वो काम से दूर आना, इस समस्या से बचने का ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। एक चीज टेक्नोलॉजी पर आप बात की है, कल परसों से मैं इस संबंध को लाइव आ रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा। और एक एक अंतिम बात यदि मैं कहना चाहूँगा, यह होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सम्मेलन करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट पड़ जाता है विदेशों के इकॉनमी पर। यह अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये सम्मेलन अमरीकी कॉन्टिनेंट के लिए होता है जहाँ तक हो सके, इसमें अमरीका के लोग भी जो हम इस बात का यकीन मानिए विदेश मंत्री सचिवालय एक डेटा बेस पर काम कर रहा है और अमरीका के जितने विद्वानों के बारे में हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है वह अद्भुत है। बस ये है कि अमेरिका के या यूरोप के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो अपने विश्वविद्यालय में अपने दफ्तर में अपना शोध कार्य करते रहते हैं, वो लाइमलाइट में नहीं आते। बहुत आवश्यक है कि उनको और उनके कामों को बढ़ाया जाए, जहाँ तक हो सके सम्मान उनको दिया जाए, मुख्य वो लोग करें। और इससे आपके समन्वयन केंद्र का काम बेहतर हो पाएगा। मैं क्योंकि मुझे नहीं बताया गया था मुझे कितना समय बोलना है, अगर मैंने ज्यादा कहा तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हूँ। बस ये अवश्य कहना चाहूंगा कि अभी नवंबर में पेरिस में नार्को के द्वारा एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, स्वाभाविक रूप से बुरे जी से परिचित होंगे कि वहाँ की ये सम्मेलन MEA के तत्वाधान में जहाँ तक हो सके आप यहाँ उपस्थित लोगों में भाग लें। विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए जहाँ तक हो सके आप लोग अपनी से ही तैयारी करें। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम विश्व हिंदी सम्मेलन पिछले सम्मेलनों से और आगे बढ़ पाए। और मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूँगा, मेरी बातों को यदि आप ध्यान से सुना हो अशोक जी ने कहा था चिंतियाँ करने के लिए मैं उसके लिए आया, लेकिन अमरीका में एक हिंदी केंद्र पूरे दिल दिमाग आत्मा जनता उसका समर्थन करती है। लोग बहुत चाहते हैं इस प्रकार का केंद्र बने, क्योंकि आप लोगों से जुड़ने के लिए विश्व हिंदू सचिवालय और मॉरिशस और दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक ऐसा मंच बनेगा जिससे आप सबसे बेहतर रूप से जुड़ा जा सकेगा। आप लोगों की पूरी योजना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से, विश्व हिंदू सचिवालय की ओर से। और आप सभी को अभी के लिए मैं नमस्कार कहता हूँ, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ, मैं उनसे धन्यवाद देता हूँ जी। धन्यवाद गुलशन जी, सबने आपके वक्तव्य का स्वागत किया।
हालांकि आवाज़ बीच बीच में टूट रही थी, लेकिन आपका वक्तव्य अगर मुझे प्राप्त होगा हम लोग उसको वेबसाइट पर डाल देंगे। तो तो गुलशन जी ने ये कहा, मतलब ये अनेक बातें कही, लेकिन मुख्य बात यह है कि विश्व हिंदी सचिवालय का समर्थन हिंदी केंद्र को प्राप्त है। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मूल्य साहब आगे कार्रवाई शुरू करें, समय का अभाव है, उसको देखते हुए आप स्वयं निर्णय करें कौन कितने समय बोलेगा और हम इसको अपने वक्तव्य के साथ पूरा करेंगे। धन्यवाद। ऐतिहासिक संयोग है कि दोनों देशों में, अमेरिका में और भारत में, इस समय भाषा के बारे में चिंतन की जो दिशा है वो बड़ी सकारात्मक है। ये एक ऐतिहासिक संयोग है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता, लेकिन लगता है कुछ दैवी शक्तियां इस प्रकार की हैं कि इस प्रकार का दैव संयोग बना है कि अमेरिकन सरकार भी चाहती है कि यहाँ के पब्लिक स्कूलों में हिंदी आए। उसके लिए जो उन्होंने 7-8 भाषाएं चुनी हैं, जैसा कि मैंने कल आपके सामने जिक्र किया था कि नेशनल सिक्योरिटी लैंग्वेज इनिशिएटिव जो 2006 का यहाँ है, उसके अंतर्गत जो 7-8 भाषाएं चुनी हैं उसके अंदर हिंदी एक है और वो हिंदी का महत्व जानते हैं। और ये भी मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत किया था कि वो हिंदी का महत्व क्यों है अमरीकी सरकार के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत एक उदीयमान शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, ये भी जानते हैं अमेरिकी। तो इन सब कारणों से यहाँ पर हिंदी का वर्चस्व, हिंदी की शक्ति बढ़ रही है इस देश के अंदर। और इसी प्रकार से भारत में भी जो परिवर्तन हुआ है पिछले एक वर्ष के अंदर, उसमें हमने देखा है कि जो भारत की संस्कृति, भारत की जो भाषाएं हैं, उनको एक प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री स्वयं हिंदी के अंदर बोलते हैं, गुजराती होते हुए सब जगह हिंदी में बोलना चाहते हैं। तो इस कारण से जो दैवी संयोग है इसको चूकना नहीं चाहिए, और ऐसे मौके पर जो भी आवश्यक हो वो होना बहुत ही अनिवार्य है हम सब के लिए, भारत के लिए और भारतीय मूल के लोगों के लिए। यहाँ पर इस त्रिनिदाद टोबैगो गयाना सूरीनाम जो दक्षिणी छोर पर हैं, उन देशों के अंदर भारतीय लोग 150-200 वर्ष पहले यहाँ पर आए, लेकिन मैं उन सब देशों से वाकिफ हूँ, वहाँ जाकर मैंने बहुत काम किया उन देशों के अंदर, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद वहाँ भाषाएं लुप्त हो गई, लुप्त प्राय हो गई, अभी भी सिसक रही हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, उन भाषाओं को जीवित किया जा सकता है। 10-12 वर्ष पहले मैंने वहां त्रिनिदाद में एक प्रस्तुति दी थी कि हाउ टू रिवाइव हिंदी इन त्रिनिदाद, लेकिन उसके लिए बड़े संसाधन चाहिए वहां पर और वो उपलब्ध नहीं हो सके, इसलिए वहां पर कार्य आगे नहीं बढ़ा वहां पर। इसी प्रकार से मॉरिशस की बात करता हूं, अभी हम मॉरिशस की बात सुन रहे थे। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया गया कई वर्ष पहले, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए, उसके उसका राजनीतिक लाभ भारत को अवश्य हुआ होगा, लेकिन भाषा की दृष्टि से लाभ नहीं हुआ। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि मॉरिशस में 69%, लगभग 70% भारतीय मूल के लोग होते हुए, भारत मूल के लोगों की सरकार होते हुए, वहां पर हिंदी नहीं बची। वहां पर हिंदी बोलने वाले वहां लोग नहीं है, वहां पर लोग हिंदी और वहां लोग अंग्रेजी और फ्रेंच बोलते हैं वहां पर। तो इतना कुछ करने के बाद भी वहां नहीं बची। तो ऐसा इस सचिवालय, इस प्रकार का एक केंद्र अगर ऐसे स्थान पर हो कि उसकी दृश्यता, उसकी विजिबिलिटी दुनिया भर में हो, न्यूयॉर्क के आसपास हो, तो दुनिया भर में उसकी दृश्यता बढ़ेगी, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसका बहुत लाभ होगा उसका बिल्कुल। तो इस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि यहां पर केंद्र के बारे में सोचना एक बहुत आवश्यक बात है बिल्कुल। तो इन सब कारणों से बातें बहुत है कहने वाली, लेकिन बस इतना ही संक्षेप अपना वक्तव्य देकर मैं समाप्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि इस ऐतिहासिक
संयोग को हम चूकेंगे नहीं। और बोले जी ये प्रेरणा से ये केंद्र यहाँ बनेगा और भारत सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग देगी। लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है वो भी पूरा रिस्पांस दे इसके बारे में। अभी जो बात कही चिवी गुला जी ने कि अपनी कम्युनिटी के लोग बच्चों को प्रेरित नहीं करते कि अपनी भाषाएं पढ़ें, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारा भी अनुभव है। हमने भी बहुत प्रयत्न किया अपने स्कूलों के अंदर, स्कूलों के पाठ्यक्रम में हम ले आए भाषा को, लेकिन भाषा लेने वाले व्यक्ति वहाँ कम थे। तो उस फ्रंट पर भी हमें बहुत काम करना है। हमें बिल्कुल अपने कम्युनिटी के अंदर हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब लोग इसके बारे में निश्चय करें कि हमें इसके बारे में सोचना है, गंभीरता से सोचना है इसके बारे में, और लोगों को प्रेरित करना है इसके बारे में। तो जहाँ एक बार भारत सरकार से हमारी अपेक्षा है, वहाँ अपने आप से भी हमारी अपेक्षा है ये कि हम आगे बढ़कर इसके लिए कुछ ना कुछ करें। बस इतना ही काफ़ी है। सब थैंक यू। लागड्डा साहब से विनती करता हूँ कि वो भी दो शब्द बोलने के समय। आदरणीय न्यायेश्वर पुले जी, देवी और सज्जनों, इसमें ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रस्ताव आज रखा गया है, इसके पहले भी एक साल पहले रखा गया है, एक ऐतिहासिक है और अत्यंत आवश्यक है। भारत में जिस प्रकार गंभीर जी ने कहा है, भारत में हर एक बच्चे पैदे होने के पहले ही माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चे को अमेरिका भेजे पढ़ाई के लिए, और हर एक लड़की की माता पिता सोचता है कि अपना दामाद ये अमेरिका में रहने वाले भारत का दामाद चाहिए। इसलिए जो कुछ भी अमेरिका से और अमेरिका से न्यूयॉर्क से बताया जाता है वो हमारे लिए वेद प्रमाण है। इसलिए तो केंद्र जो है यहाँ बनना नितांत आवश्यक है, जरूरी है। इसके प्रेरणा स्रोत में पहले अशोक जी और मूले जी सब लोग हैं, आपके चरणों में मैं निगाहें बिछा कर वंदना करता हूँ। मूले जी, कल आपके भाषण से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, इसलिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। आपने कहा है कि भाषा के भुजाओं पर ही संस्कृति बचती है, भाषा के नींव पर ही संस्कृति का भवन का निर्माण होता है। आपने कल जिक्र किया है हमारे भारतीय लोग ये आत्महीनता की भावना में जुड़े हुए हैं। वे समझते हैं कि बाहर का सब कुछ अच्छा है, बाहर का सब कुछ महान है, बाहर का सब कुछ ग्रेट, हमारे यहाँ जो कुछ है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों को बताइए, हम भारत में ही बताएंगे, 5000 सालों के विश्व के इतिहास में इस दुनिया ने 5 लोगों का सम्मान, गौरव, सादर आदर सत्कार किया। उनमें सबसे पहला है गीताकार श्री कृष्ण भगवान, उसके बाद जीसस क्राइस्ट, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद, उसके बाद उत्तम शरण गच्छामि, धर्मो शरण गच्छामि, संगम शरण गच्छामि भगवान, उसके बाद महात्मा गांधी। 5000 सालों के विश्व के इतिहास में इस दुनिया ने 5 लोगों का सत्कार किया है, तो इनमें से 3 लोग भारत में जन्मे हैं, अपने विज्ञान से, अपने प्रपोजलों से इस दुनिया को गौरवान्वित कर दिया। और भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है सबकी भलाई चाहता है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहने वाला देश भारत है, उससे हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। त्रैलोक्यम मंगलम गुरु कहा है, 3 लोग है या नहीं किसी ने नहीं देखा, लेकिन भारत ने कहा है त्रैलोक्य मंगल। तो शंका होता है हमारे बच्चों को, आप कैसे बता सकते हैं कि 3 ही लोक है, चलो लोका समस्ता सुखिनो।